राजधानी दिल्ली में पानी की गुणवत्ता को लेकर जब से रिपोर्ट आई है तब से दिल्ली में राजनीति गर्म है। 21 शहरों की रिपोर्ट में दिल्ली का पानी सबसे ज्यादा गंदा निकला। इसके बाद से केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। दिल्ली के पानी का स्तर जांचने के लिए दोनों नेता एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। उपभोक्ता मंत्री पासवान ने दोबारा जांच करने के लिए एक टीम भी बना दी है। दरअसल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की लिस्ट में दिल्ली का पानी को सबसे गंदा बताया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार BIS की लिस्ट को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, तो पानी पर छिड़ी राजनीति के बीच अब केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर चुनौती दी है। चिट्ठी में पासवान ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल दोबारा पानी के नमूनों की जांच के लिए अपना प्रतिनिधि बताएं। BIS की उच्च स्तरीय टीम उनके साथ फिर नमूने लेकर यहां जाएं, वहां से जांच कराने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि ये रिपोर्ट गलत है तो दिल्ली सरकार कहे। दिल्ली सरकार और BIS की एक संयुक्त टीम बनाता हूं और जहां जांच कहेंगे वहीं जाकर पानी का सैंपल लेंगे और जांच करवाएंगे। वहीं पासवान ने कल लोकसभा में कहा कि आज दिल्ली में स्थिति यह है कि कोई भी व्यक्ति कल नल का पानी नहीं पी सकता, नल से नीला पीला पानी निकलता है। उन्होंने कहा कि इससे सबसे ज्यादा गरीब तबके के और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग और बच्चे प्रभावित होते हैं। मेन हॉल ही में ही पानी के नमूने मंगवाए थे लेकिन प्राथमिक स्तर पर ये सभी नाकाम साबित हुए, जबकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का दावा है कि यह यूरोपीय मानदंडों के अनुरूप है। इससे पहले केजरीवाल ने भी रामविलास पासवान को चुनौती दी। केजरीवाल लगातार ये दावा कर रहे हैं कि BIS की रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है। दावा ये भी है कि केंद्र के ही जल मंत्री गजेंद्र शेखावत दिल्ली के पानी को यूरोपीय स्टैंडर्ड से बेहतर बता चुके हैं। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में पानी की गुणवत्ता का विषय उठाते हुए कहा कि दिल्ली में सरकार की तरफ से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति पर जो रकम खर्च की जानी चाहिए थी उसे सब्सिडी देने में खर्च किया जा रहा है, पानी की पाइपें खराब हो रही हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य के लिए आपात स्थिति है। उन्होंने कहा कि BIS की जांच में यह खुलासा है कि 20 राज्यों में सबसे खतरनाक स्थिति दिल्ली में है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।